जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड में डोगी ड्रामा नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। झारखंड में डोगी ड्रामा नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। लूड़ी सूत्री कार्यालय खत्म कर, खत्म कर, खत्म कर। झारखंड में लूड़ी सूत्री नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। छात्र एक का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, समय के बाद में हमारे कुछ हजारीबाग के मित्र जो रास्ते में है हम लोग ले चलेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ से एक भी लड़का इधर उधर नहीं जाइएगा, और मैं पर चल जाइएगा। ये चाहता है कि चल जा, जा। आप लोगों से निवेदन है कि जब तक हमारे पूरे साथी नहीं आ जाते हैं, हजारीबाग की तरह जो है हुजूम में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। कुछ ही पलों में वो लोग पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और अब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही गाली गलौज का प्रयोग करेंगे। वह वाला खराब का नहीं बोलना है, खराब जो कर रहा है वो नहीं बोलना है। और मीडिया में आलतू फालतू नहीं बोलना है। हम लोग सब मिलजुल करके जो है, हम लोग पढ़े लिखे न हो, हम लोग मास्टरी का ग्रेजुएट न है। वहाँ से बोले का न कि पढ़ा लिखल के भाषा है, इसलिए हम लोगों को मर्यादा में रहना है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, सारे ग्रेजुएट हैं, एमबीए हैं, पीएचडी हैं, और कुछ डिलीटो है। हम लोग सारे लोग जो है वहाँ पर चलेंगे कुछ ही फलों में। तब तक मीडिया भैया लोग को बोलने दीजिए, हम लोग बैठ नहीं रहते। ऐसा मनोज भैया शिक्षा मंत्री बनो कितने पास चाहे डिग्री चाहिए। ये तो गड़बड़ है जी। यहाँ पे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है जी, जी सर। आप लोगों का मांग के साथ हम लोगों का पूरा समर्थन है। सर जोर से बोलिए। सभी लोगों का सही समय पे लगना बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से कुछ ऐसा घटना घटा है कि आप लोगों को आंदोलन करने का जरूरत पड़ा है। जी सर, जी सर, जी सर। आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से जब तक अपना मांग करते रहिएगा, आंदोलन करते रहिएगा, हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन आप लोग कुछ भी ऐसा काम मत कीजिएगा कि हम लोगों को निश्चिंत रहिए सर, के आपके खिलाफ एक्शन निश्चिंत रहिए। आप लोग की तरह थोड़े दिन पहले हम लोग भी छात्र ही थे, हम लोग भी कंपटीशन दे करके किसी तरीके से कोशिश करके आए। आप लोग सबको जानकारी होगा कि जब आपका नौकरी लगेगा, मेहनत करके पास करके जब आप पास हो जाइएगा, तो सभी लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आपको नौकरी मिलेगा। पास होने के बाद भी अगर उस समय आपके विरुद्ध कोई तरह का कार्रवाई हुआ रहेगा किसी भी कारण से, तो वो एक बाधा बन जाएगा। तो हम लोग का अनुरोध है, हम लोग चाहते हैं कि भाई आप लोग का हर लोग का नौकरी जो योग्य है उसका नौकरी लगे, और उसमें किसी तरीके से कानून आपके लिए बाधा नहीं।